अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज और मैं हूं मोहम्मद आमिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंसेस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया गया। बॉबी एहतसाब बैरो नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंसेस जिनमें जमानत के लिए आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 1-1 करोड़ रुपए के दो जमानती मशलकों के एवज साबिक सदर की जमानत मंजूर कर ली। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की हिदायत के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अहलकारों और अफसरान की हौसला अफजाई जारी है। जिला बिहारी में 280 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई और डकैती और कत्ल के मुल्जिम को 25 साल कैद की सजा दिलवाने वाले अहलकारों के लिए शाबाश का एक अंदाज। मैलसी शहर में ठंडी हवा के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। मैलसी के गिरदोनवा में मौसम सर्द हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश की शिद्दत की वजह से स्कूलों में तुलबा और तालबात की हाजिरी कम रही। हासिलपुर के नवाज शरीफ स्टेडियम में NRSP की जानिब से डिस्ट्रिक्ट दोस्ती स्पोर्ट्स इवेंट की तकरीब का इनेकाद किया गया। हासिलपुर के नवाज शरीफ स्टेडियम में जैन अहमद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और शाहिद बारन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट दोस्ती स्पोर्ट्स इवेंट की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील भर के स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बरकती रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह के जुडिशियल रिमांड में 5 रोज की तौसी। नैब को दोबारा 17 दिसंबर को पेश करने और रेफरेंस पेश करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी रहनुमा को एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। लाहौर वाके के खिलाफ सक्कर में भी डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ का एहतजाज, रैलियों मुजाहरा, वाके की मुजम्मत कार्रवाई का मुतालबा। लोगों को कैद करने वालों की अपनी जबानें कैद हो गई। सिंध सरकार ने तमाम सिंध पुलिस समेत तमाम सरकारी अफसरान को मीडिया पर आने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी खुसूसी तौर पर पुलिस पर आयद की गई है। सिंध सरकार की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के इलाके बागे कोरंगी में बनता खौर, लैंड ग्रैबर ग्रुप सरगर्म। कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी थाना अवामी कॉलोनी की हुदूद बागे कोरंगी में भत्ताखोर ग्रुप ने डेरा जमा लिया। गरीब आवाम के प्लॉट पर कब्जा और भत्ताखोरी जारी।